एशिया कप का बड़ा मार्का पाली कैले में भारत का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलिंग का बेहतरीन मुसाहिरा। शाहीन शाह अफरीदी का जादू चल गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। भारत ने 19 ओवर्स में 95 रन बना लिए। एशिया कप में पाक भारत टाकरा। मैच के दौरान बारिश की आंख मचोली जारी। बारिश के बायस मैच को दो बार रोकना पड़ा। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिश की पेशगोई की थी। भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा। क्रिकेट फैंस पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। जीत पाकिस्तान की होगी। कौमी टीम रिवायती हरीफ को चारों शाने चत करेगी। शायकीन पुरजोश। पीटीआई रियासत के खिलाफ इंसानी हकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत में ले जा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने सलमान रुश्दी के वकील जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर किया। तौहीन रिसालत के मुल्ज़िम के वकील को अपना निजात दहिंदा बना लिया। जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी को पनाह दी। ये रियासतों के खिलाफ काम करने वाली शख्सियात की वकालत करता है। कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरूह काम कर सकता है, हमें मालूम नहीं था। जेफरी रॉबर्टसन के इसराइल के साथ करीबी रवाबत हैं। इसने तुर्की के खिलाफ किताब लिखी। सकूत ढाका के दौरान भारत का हामी रहा। तहरीक इंसाफ आलमी फोरम्स पर मुल्की हसीमत का बाइस बन रही हैं। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज़। जज का केस की समाअत से इनकार। पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर फैसला आने दें, फिर मामले को देख लेते हैं। जेल समाअत में चेयरमैन पीटीआई को कहा, मेरिट पर जाऊँगा। आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। जज अबुल हसनात जुलकरनैन के अहम रिमार्क्स। परवेज़ इलाही की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी चैलेंज। साबिक वज़ीर आला का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। 1 सितंबर का एमपीओ गैर कानूनी है, सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में मौकफ, गिरफ्तारी कलदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया जाए। अदालत से इस्तदा। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पुलिस अफसरान ने घर नहीं पहुंचाया। दरख्वास्त में डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई का केस। हलीम आदिल शेख 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुबैना टाउन पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को अदालत में पेश किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी आईजी डीजीएफआई ईमान मजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसी सूबे की गिरफ्तारी में मावनत भी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक पीर तकसूबों से तफसीलात मांग कर आगाह करने की हिदायत। महंगा
महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर सरापा एहतजाज। कराची में आज हड़ताल, नेशनल हाईवे पर दुकानें होटल्स बंद। लाहौर में भी ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। तजारती मराकज और बड़ी मार्केटें बंद। हैदराबाद और पेशावर में भी दुकानें बंद। जेहलम झंग में भी महंगाई और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन। ठट्ठा में भी दुकानें और पेट्रोल पंप बंद। अहमदपुर शर्किया, तौसा, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद में भी शटर डाउन हड़ताल। करक में ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना। बिजली के बिल्स में 16 इकसाम के टैक्सेस लगाए गए। बिल डेथ वारंट है। इस गुंडागर्दी बदमाशी को नहीं मानते। जिन्होंने कर्ज लिए उनकी जायदादों को बेचकर कर्ज अदा किए जाएं। हुकूमत को बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स वापस लेना होंगे। सिराजुल हक। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से फसलों को नुकसान। सड़कें भी बह गईं। बहावल नगर में 120 से ज्यादा आबादियों का जमीनी रास्ते ताहाल मुनकता। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैली के दबाव से दो बंद टूट गए। पानी 30 से ज्यादा देहात में दाखिल। पाक फौज और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ। इलाका मकीन पाक फौज के शुक्रगुजार।